नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहले अंडा आया या पहले एग, मतलब जो है सो हमारा चिकन आया। तो इसका आंसर होगा पहले कि अंडा आया, ठीक है। अब ये क्यों होगा वो हम अभी आपको बताते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्यों अंडा पहले आया। तो देखिए, बेसिकली होता ये है कि अंडा जो है बहुत पहले आ चुका था, मतलब अंडा आने से पहले, चिकन आने से पहले बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बहुत पहले आ चुका था। तो ज़रा सोचिए, अगर आज अगर मतलब दो एनिमल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं शेर और एक ले लेते हैं बाघ, ठीक है। अगर शेर और बाघ को ले लेते हैं और उनका जो है सब रिप्रोडक्शन करवाया जाए, तो फिर क्या होगा? कुछ ऐसा नया तरीके का ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा। तो वो जो नया तरीके का ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा, उसमें दोनों का डीएनए होगा, लेकिन वो दोनों जो वो जो नया ऑर्गेनिज्म होगा वो बिल्कुल अलग होगा दोनों से, ठीक है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वो जो नया ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो वैसी तरीके से जो है पहले जो अंडा आया वो बेसिकली हुआ ये था कि दो अलग अलग प्रजाति का जो चिकन आने से पहले जो था उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस क्या बोलते हैं उसका, जो भी हो रिप्रोडक्शन कर लीजिए जो भी है। तो उससे जो है सो चिकन का अंडा जन्म लिया, वो जिसका ना वो दोनों के डीएनए से जिसका डीएनए अलग था, ठीक है, सिमिलर था, लेकिन कहने का मतलब दोनों का कैरेक्टरिस्टिक उसमें था, और ऐसे करके एक चिकन का अंडा आया। तो हम कह सकते हैं कि चिकन का अंडा पहले आया, बाद में चिकन आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।